जुड़े रहिए मेरे साथ और एंजॉय कीजिए मेरे ब्लॉग को, और अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। सुबह शुरू की कार से, जो पहले ब्लॉग में आप लोगों को बताई थी ना कि कैंडी को लेके जाना है ग्रूमिंग के लिए, तो देखिए कैंडी को लेके जा रही हूँ और ये उंडे से कैसे हवा खा रही है देखिए। हवा खाते खाते पूछ हिलाते हिलाते वो जा रही है, और इधर बैठी है मेरी बेटी। हेलो। तो नई दिन की नई शुरुआत मियां नाशु के साथ, तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कुछ कुछ पल आज के दिन के। हाँ, नेल कटिंग, फेस क्रीम, हाँ बात। तुम लोग चल के जाओगे? हाँ ठीक है। हाँ हमें हाँ, बाजू मतलब एकदम सामने एक स्कूटर है, वहाँ पे एक वो बैठी है बिल्ली, देखे कैट कितनी प्यारी है, वाइट है एकदम से, सो रही है। तो अभी जो है ना उन्होंने वेट करने के लिए कहा है, एटलीस्ट 40 मिनट्स 45 मिनट्स तो लगेगा। तो मेरी बेटी और हस्बैंड गए हैं थोड़ा उधर घूम घाम के आने के लिए, तो मैं रुकी, मैं बोली कि अगर मतलब बुलाते हैं तो जाना पड़ेगा, मतलब वो लोग कितना ट्रिम करना है दिखाते एक बार पूछते हैं, तो मैं ही रुक गई, थोड़ी देर वेट करती हूँ, इसके बाद फिर उसका ट्रिमिंग में पार्टिसिपेट कर रही है। ये दोनों आ गए, अभी हम दोनों जा रहे हैं घूमने के लिए। वो दो निकाले यहाँ से, ये वाला दे दीजिए पर्पल। ये लो। तो देखिए कितना अच्छा कलेक्शन है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब हम बहुत बार आ चुके हैं लेकिन बार बार देखने को मन करता है ये सारे कलेक्शन, स्पेशली इयररिंग्स देखिए, उसके बाद ये जो है ना बैंगल्स के बहुत अच्छे कलेक्शंस हैं। ले लिया हमने सामान, घर जाके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए चल रहा है, शुरू हो गया कैंडी का ट्रिमिंग, और कैसे चुप बैठी है, मतलब हमारे पास तो इतना चुप बैठती नहीं है, जो बैठ के करवा लेती है, मतलब कितना अच्छे से कर रही है। तो यहाँ पे बाकी और भी टू डॉग्स हैं जिनका भी चल रहा है ग्रूमिंग, इसका हो गया है, एक शिट जो और है इसका देखिए हो गया है, मतलब बैठी है वेट कर रही है अपनी ओनर के लिए, और दूसरे का चल रही है जो मेरे कैमरे की तरफ देख रहा है कैसे। तो देख आप लोगों को दिखाई ना उसका चल रहा है ग्रूमिंग, और 10-15 मिनट शायद लगेगा, उसके बाद फिर उसको लेके जाएंगे। तो आ गई आके फ्रेश व्रेश होके, फिर बहुत मतलब बहुत देर क्या आपके साथ कब मिल रहे हो, आधा घंटा तो हो ही गया होगा शायद, मतलब ड्रेस चेंज की उसके बाद फटाक से बनाई लंच की।
अभी रोटी कैसे खाते हो, खाते हैं पता है, ऐसे रोटी लीजिए, इसमें अच्छे से घी लगाइए, बस फोल्ड करके उसके बाद ले लिया ये जो चना मसाला बनाया, और साथ में तीखी चटनी। और है सलाद, तो बन गया प्लेट और अभी इसको खाएंगे क्योंकि ये देख के और रहा नहीं जा रहा। देखिए क्योंकि साउंड से उसको क्या अट्रैक्शन है पता नहीं है, वो पागल हो जाती है वो साउंड से, स्क्विकी साउंड से। अगर आपके घर में भी डॉग है तो आप यूट्यूब में प्ले कर सकते हो, वो लोग काइंड ऑफ अट्रैक्ट हो जाते हैं इससे। उतार लिया उसने। देखिए You want? Oh. आने के बाद और आप लोगों के साथ कोई शूटिंग नहीं की, एक्चुअली लंच मतलब आप लोगों को लंच दिखाए, उसके बाद खा के सो गए, इतना सर पकड़ लिया था, एक टैबलेट ली फिर सो गए। आपको पता ही चल रहा होगा मैं नींद से ही उठी हूँ। उसके बाद एक कप कॉफी लेके आके मैं सोची कि क्या क्या लिया आप लोगों को एक बार शेयर करती हूँ। ये देखिए उसका हेयर कट हुआ है, ग्रूमिंग हुआ है, पूरा नाक मुंह जो भर गया था वो उसको दिख नहीं रहा था, अभी वो दिख रहा है। सामने लेके बैठी रहेगी ऐसे ही बस, उसके बाद लेटी रहेगी उसके सामने, ये मेरा है बोल के। सामान भी दिखाते हैं। वैसे ये उसका एक फूड है, NND पम्पकिन खाती है वो, मतलब बहुत छोटे से हम उसको देते हैं। पहले ना हमने बहुत कुछ उसके लिए ट्राई किया, बट क्या होता है पता है, हम लोग पहले पहले ना 1 kg 2 kg का वो लेके आते थे, डिफरेंट टाइप्स मतलब वो ट्रीट्स का, बट क्या होता था ना वो खा के छोड़ देती थी, कुछ भी उसको पसंद नहीं आता, इतनी मूडी है ना। तो ये वाला अभी तक तो फिलहाल उसको पसंद आ रहा है, मतलब कभी कभार खा लेती है। तो ये हम ना घर में कभी भी रखते हैं, तो क्या होता है ना कि उसको जब अचानक से भूख लगता है ना, हर टाइम तो बना के नहीं दे सकते हो, जैसे स्पेशली शाम के टाइम, वैसे वो घर का ही खाना खाती है, शाम का जो स्नैक्स होता है ना वो एक मुट्ठी ऐसे ही हैंडफुल उसको दे देते हैं, तो वो भी खा लेती है, उसको भी बहुत मजा लगता है ये खाने के बाद। तो ये उसका फेवरेट है, ये एक लेके आई, ये खाता है। एक्चुअली ये देना चाहिए होम फूड के साथ, होम फूड में हम ज्यादा कैरेट बीन्स और चिकन ही देते हैं, लेकिन इसमें मल्टी विटामिन रहता है, तो ये स्नैक्स रखना ही है उनके लिए, बहुत कुछ रहता है इसमें, तो NND हो या रॉयल कैनिन है, कुछ भी बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, जिनको जो सूट होता है वो डिपेंड होता है, उस बेसिस पे लेके आना है, लेकिन इट्स मस्ट, थोड़ा तो देना चाहिए इनको ये सब। तो इसको मैं ऐसे ही इस पे डाल के रख देती हूँ, वैसे ये जिप लॉक पैकेट है, देखिए नीचे गिरा है ना, थोड़ा बहुत तो खा ही लेगी यहाँ से, और इसके वजह से हम लोग ट्रेनिंग दे पाए एक्चुअली। गुड, लीव इट, लीव इट डाउन, गुड कम, गुड ऑफ ऑफ ऑफ, स्टे, लीव इट, गुड इट। मतलब फर्स्ट जब लाए थे ना आपने बहुत दिया था, अभी थोड़ा बहुत मतलब भूल, जो मतलब कुछ वर्ड्स तो उसको याद रहता है, कुछ भूल जाती है, इसलिए रेगुलर प्रैक्टिस में रखना होता है उसको। ये है ना इसका मिल्की च्यू, ये क्या होता है पता है, ये मिल्क से बना होता है और मतलब बहुत सॉफ्ट टाइप का होता है, तो इसका इनको भी ना ये सब ना इनका स्ट्रेस बस्टर है, मतलब हमें डॉक्टर ने ऐसे ही कहा था कि जैसे कि ये लोग पूरा दिन, वैसे इनका काम क्या देखिए, पूरा दिन हमारे पीछे पीछे घूमती रहती है और हम नीचे लेके गए तो नीचे जाती है, तो इनको भी कुछ टाइम पास तो चाहिए ना, तो ये वाला जो है ना बहुत मतलब वो बहुत खुश होती है ये खा के, मतलब यूजुअली उसको मिल्क बहुत पसंद है, लेकिन बोलते हैं कि घर का मिल्क ना नहीं देना चाहिए, तो इसलिए ये च्यू स्टिक है जो स्पेशल मिल्क से बना है, जो डॉग को सूट होता है, और ये इससे क्या होता है वो लोग जब च्यू करेंगे उनके टीथ को थोड़ा आराम मिलता है, तो
ये मस्ट है, और उसका तो बहुत फेवरेट है ये, बहुत फेवरेट है। मतलब हमने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था और तब से वो फैन बन गई। मतलब सुबह उठ के ना मेरे पास आती है, मुझे एक दे दो ना करके, और मैं उसको ना ऐसे ही बोलती हूँ, आ तुझे मैं मिल्क चू देती हूँ, वो समझ जाती है पता नहीं कैसे, मेरे पीछे पीछे आ जाती है। अच्छा ये है उसके दो ट्रीट्स, एक मीट जर्की है, दोनों मीट जर्की की है, ग्रिल्ड लीवर है, एक बारबेक्यू चिकन है। देखिए उनका भी फ्लेवर देखिए, बारबेक्यू, और मोस्ट ऑफ द डॉग लाइक्स लीवर अ लॉट। हाँ एक्चुअली ना इसको भी लीवर इतना पसंद है, बट बोलते हैं कि एक सर्टेन, जैसे कि ये ट्रीट है ना, अब थोड़ा ही देना है ट्रीट को, बट हम बीच में उसको लीवर दे रहे थे, बट बाद में पता चला कि लीवर यू कांट गिव एवरी डे, और मतलब इन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में देना नहीं चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा देते हैं, तो ये ट्रीट ही बेस्ट है लीवर देने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा ही हम देते हैं ना ट्रीट। और ये है ना इसका वो क्या बोलते हैं इसको, डॉग च्यूज, ये बहुत हार्ड है, ये एक्चुअली सुबह ही हमने ला के उसको एक दिया था, यहीं पे कहीं पे उसने फेंक दिया। तो ये क्या होता है पता है, ये खाने के बाद मतलब जब उसका पेट भरा रहता है, उसको कुछ तो चबाने का मन करता है, तो ये वो चबा चबा के मतलब इसको ना पूरा ऐसे पतला कर देती हूँ ना, किसी एक दिन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, एक वो तीन दिन दो दिन बैठ के तो आराम से पतला कर देगी चबा चबा के। ये बहुत हार्ड है, ये जैसे मिल्क चू इट्स अ ट्रीट काइंड ऑफ थिंग, सॉफ्ट है, ये बहुत हार्ड है, बेसिकली उनको बोन खाया जैसा, उससे उनके टीथ और गम स्ट्रॉन्ग रहते हैं और दे एंजॉय। आता ही है, हम कुछ भी लेने जाते हैं तो एक्चुअली ये जो सामान आप देख रहे हो ना, ये एक्चुअली हम लोग कितना दो तीन महीने में शायद एक ही बार लाते हैं, तो चल जाता है बहुत दिन, ऐसा कुछ नहीं है। और ये वाला हम कभी भी नया कुछ लेने जाते हैं, एक खिलौना उसका आ ही जाता है, और ये आवाज तो उसका फेवरेट है, तो हम कभी भी ऐसे स्क्वीकी टाइप के टॉयज लेके आते हैं ना कैंडी, राइट? आई एम राइट कैंडी, शो योर फेस टू एवरीवन, कैंडी कैंडी, यस यू शुड शो कि हाउ ब्यूटीफुल यू आर लुकिंग, राइट? यू शुड शो बिकॉज यू वेंट टू पार्लर टुडे टू ग्रूम योर सेल्फ, राइट? Candy, I don't have any treat. कुछू कुछू। तो ये था उसका सामान, और मेरी बेटी के लिए बोली ना आप लोगों को दिखाई क्लिप्स वगैरह, उसमें से तो आधा खोल के वो पहन के मतलब खेलने चली गई, मैंने उसको बोला था कि दिखाना है, तो आधा बहुत खोल के इधर ऐसी मतलब ये करके चली गई है, तो कुछ कुछ सामान ही आप लोगों को मैं दिखा सकती हूँ। ठीक है, ये तो क्लिप उसके लिए लिया है मैंने, देख रहे हो आउल वाले क्लिप से, दो बहुत ही अच्छा है, प्यारा है, मुझे तो बहुत पसंद आया, तो ये दो लिया है मेरे लिए। मैंने ये दो इयररिंग्स लिया है, देखो ये मुझे थोड़ा अलग लगा तो इसलिए मैंने लिया है, बहुत ही अच्छा है, ये पहनने के मतलब मूड में थी मैडम जी, मैं बोली कि नहीं बाद में पहनना, और ये वाले भी मुझे बहुत अच्छे लगे, ये देखिए ये एक्चुअली पीछे आप हेयर्स के पीछे बो डाल सकते हो, इसके लिए उसके लिए ही है, और एक ली हूँ मैं, वो पहन के गई है, मैं अभी बाद में कभी आप लोगों को साथ शेयर करूँगी, ये भी बहुत अच्छा है, मतलब ऐसे बाल बांध लो देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है। ये सब क्या हुआ, फैंसी स्टोर से लेके आए? हाँ फैंसी स्टोर से, ये दो क्लिप ली हूँ उसके लिए, ये देखिए, ये भी मैंने और एक पेयर ली हुई, अभी और एक पेयर कहाँ उसने डाला है पता नहीं, ये देखिए ये भी डिजाइन अच्छा है, ये हो गया। और बहुत सारे ऐसे क्लिप्स ली हूँ जो लगाते हैं ना बालों पे, इसके ऊपर भी ऐसे डिजाइन है, तो ऐसे दो टाइप का ली हूँ मैं, पूरा एक स्ट्रिप दो स्ट्रिप लिया था, वो सारे स्ट्रिप से निकाल के देखिए ऐसे डब्बे में डाल के चली गई। और एक येलो कलर के हेयर बैंड ली हूँ, तो अच्छा लगा ना मुझे, मुझे ही मन कर रहा था पहनने के लिए, बट अभी कलर वैसा ली हूँ तो उसके लिए ली हूँ, तो इतना अच्छा है ना वो पहन के गई है, वो उसका फेवरेट, उसको वो बहुत पसंद है। तो ये था उसका शॉपिंग, मतलब कहीं पे भी जाते हैं तो इसके लिए लूँ तो उसके लिए भी लेना पड़ता है, ऐसा है हमारा हाल। मैडम जी आ गई खेल धुल के तो इसी के लिए वेट करी थी एक्चुअली, आप लोगों को बोली थी ना कि उसका वो शेयर करूँगी मैं, मतलब और जो दो पहन के भाग गई है, और इधर देखिए कैंडी उसके लिए मतलब आई है, उसको वेलकम कर रही है। तो देखिए उसका वो जो दिखाने वाली थी, एक तो ये देखिए पीछे बांध दिया उसने, एक ये लिया था दूसरा वाला, और सामने येलो कलर का उसने ये बैंड पहना है, ये भी बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत पसंद है। और थोड़ा पोज दे तो जो भी हो, जो व्लॉग है ना मेरी बेटी एंड करेगी, तो चलती हूँ आज के लिए, आऊंगी और एक नया व्लॉग लेके आप लोगों के पास। एंड प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।